गठन के लोग, मैं जानता हूं मदनी साहब को, मैं संपर्क में था। जो रचनात्मक काम इन्होंने किया है गुजरात के पीड़ितों के बीच में, सुनामी, जो अभी सुनामी लहर हुआ, इसमें भी बढ़ चढ़ के यह संगठन कोई जाति और बिरादरी का नहीं, देश को बेहतर बनाने का, सभी धर्मों का आदर, समान आदर। सदाम हुसैन कहां सुनाइएगा, कहां सुनाना चाहते हो, कौन सुनने वाला है? चौधरी बना हुआ है इराक पर, इसीलिए युद्ध का वातावरण तैयार किया गया कि रासायनिक हथियार है सदाम हुसैन के पास। संसार भर का सबसे बड़ा पंचायत वाला जगह यूएनओ जिसको कहते हैं, वो भी जांच किया, बोला कि नहीं है, कुछ नहीं है, ठेंगा दिखा दिया यूएनओ को। और आज सदाम हुसैन कहां है दुनिया में? मैं जो खतरनाक लक्षण देख रहा हूं कि दुनिया का कौन देश में कौन प्रधानमंत्री होगा, यह मुझे लगता है कि वही तय अब करेगा, और जो नहीं मानेगा उसको ऐसा आपका चेहरा बना देगा जैसे मेरा चेहरा बनाता है, बोलता है कि लालू इज ए एरोगेंट मैन, लालू जोकर है। कौन बोलता है कि लालू जोकर है? गोधरा में देश भर के अकलियत के लोगों के ऊपर यही आरोप लगा था नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा कि साबरमती एक्सप्रेस में हिंदू कार सेवकों को गोधरा के मुसलमानों ने पेट्रोल छिड़क छिड़क करके जला दिया। दंगा बेशुमार हुआ दंगा। लालू यादव को आपने जब कुवत दिया दुनिया बदल गया, पलटन हाथ में है, सेना हाथ में है, जनता हाथ में है। लालू यादव ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी, हमारे ट्रेन में आग लगने का कारण क्या था? कोई जांच नहीं कराया गया था। मैंने जज को, भारत सरकार को अनुशंसा से बनर्जी कमीशन बना, रिपोर्ट आ गया, अंतरिम रिपोर्ट आ गया कि बाहर से आग नहीं लगा था। असंभव है बाहर से पेट्रोल फेंकना, कलंक लगाया था आपके ऊपर, देश के ऊपर, और फिर दंगा किया था। लालू यादव इन बातों को लेकर लड़ता है तो बोलता है जोकर हमारा रेल एक्सीडेंट किया था, अभी हम चले गए देखने और जानलेवा हमारे ऊपर हमला होता है, मेरे गाड़ी के शीशा को तोड़ दिया जाता है। हमने कहा कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल ने किया, डिसमिस करो इस सरकार को, बंद करो नरेंद्र मोदी को, गुजरात इनका है क्या, ये देश इनका है? इतना बड़ा बर्फ का सीली पोलथीन में लेके मेरे सर पर गिराया, लेकिन खुदा का माया वैसा बर्फ पानी हो गया कि हमारा चेहरा गर्म था थोड़ा ठंडा हो गया। अब जांच कहा कि जांच कमीशन बना दिया, वहां डरा गया सब, डिसमिस करा देगा लालू यादव, इसके पास 25 एमपी है, कहीं कह देगा कि वापस ले लेंगे तो
इसका बात माने, बात मानेगा कारण क्या है। इसलिए सभी भाई और बहनों को मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री था, कानून बनाने से क्या होगा, कानून का कौन उल्लंघन किया फैसला होगा 10 साल में, कि दंगा हो जाए कहीं भी, अगर सरकार का हेड का प्रधान का अगर ये वचन बसता है कि दंगा करने वाले लोगों को चाहे पार्टी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, आदमी बड़ा से बड़ा क्यों नहीं हो, रहे या सरकार या जाए, लेकिन दंगाई के छाती को तोड़ दिया जाएगा। और लालू यादव ने किया, मैं अपना विज्ञापन नहीं करा रहा हूं, सच्चा बात आपके दरबार में मैं रख रहा हूं। लड़ाई कौन कौन आपका मित्र है मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, आपका मित्र बहुत कमे मिलता है कभी कभी मैं देखता हूं। लालू यादव लोग बोलता है अगर हम समझौता कर लिए होते, अरे इराक के युद्ध पर एनडीए सरकार में राज्यसभा में लोकसभा में मांग करते रह गए सब पार्टी हम लोग मिलकर के जो अभी यूपीए में है कि अमेरिका के एक्शन को कंडेम करो भारत सरकार पार्लियामेंट से, हवा निकल गया वाजपेयी जी का, हिम्मत है, ये सब डरपोक है। देश ने इसे दुनिया भर के जो हमारा देश हमारा पड़ोसी देश है निर्गुट राष्ट्र है, इसकी एकता होनी चाहिए, न तो एक एक करके तोड़ देगा। मैं निंदा करता हूं अमेरिका के, मैं भारत सरकार में मैं मंत्री हूं जो कुरान शरीफ के पन्नों को के साथ उसने जो सलूक किया है, मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं और मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री, आज हम पटना से आए ही हैं, इसी कार्यक्रम में शरीक होने आए हैं, मैं कल प्रधानमंत्री जी से मैं बोलूंगा कि इतने बड़े सम्मेलन का या इस्लाम धर्म मानने वाले जो लोग हैं दुनिया भर में लोगों के मन में गुस्सा है इस कृत्य से, तो अमेरिका को बात करके हिदायत देना चाहिए, बताना चाहिए, हम बोलेंगे कल। आप सभी, हम ठीक कहा जीत भाई ने, इनके पिताजी हम लोग के नेता थे, ईमानदार आदमी, किसान और गांव वाला का सही प्रतिनिधित्व करने वाले, रेल में बुनकर भाइयों का जितना भी कपड़ा जो जरूरत हमको है अरबों का हम कपड़ा लेते हैं, और खादी से एक बाजार हमने दिया है, और पूरे भारत सरकार के हर ऑफिस में और हर राज्य सरकारों में खादी और बुनकर भाइयों का हैंडलूम का कपड़ा, चाहे जो भी आप बनवाना चाहते बेड कवर या चादर या पावपोच बनवाना चाहते, इन गरीबों को बाजार मिलेगा, हम लोग मिल से कपड़ा लेते हैं, हम बोल जा कि हटाइए मिल काम नहीं लेंगे। अब इस देश में पेप्सी पीने वाले कोला पीने वाले लोग बहुत हैं, कौन लोग, सब लोग नहीं हैं, जो संपन्न आदमी है वही है। एक दिन हम बोल दिया कि इसको हम बंद करेंगे रेल में, चारों तरफ से विरोध आ गया, नहीं बंद करेंगे, दोनों चीज रहेगा, जहर भी रहेगा और माठा कोला भी रहेगा, जो पीना है पियो, तो आदमी इंसान को समझा ही सकता है। इसलिए
आदरणीय मदनी साहब और सभी बुजुर्गों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो सवाल उठाया है, अभी हमारे दुख होता है लेकिन बात वाजिब है, दलित जो मुस्लिम है, दलित मुस्लिम जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह हैं मुस्लिम समाज में, उनका संविधान में रिजर्वेशन का पहले से व्यवस्था ही नहीं हुआ। इसमें एकाध दो नेता दिग्भ्रमित हो जाते हैं, आरोप लगा देते हैं दूसरे के ऊपर, ही बात उचित नहीं है। दलित मुसलमानों को बिहार असेंबली से सर्वसम्मति प्रस्ताव पास करके और अपने सरकार में यूपीए में हमारा निर्णय है कि एक कमीशन बना के 6 महीना में रिपोर्ट लेके रोजगार और शिक्षा में अल्पसंख्यक समाज को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, विशेष करके अपने बुजुर्गों के, हम तो इनसे उम्र में कम हैं, बहुत अच्छा काम हुआ। आपस में भी संगठन में तरह तरह का लोग होते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है बड़ा काम जब करने चले हैं तो सभी परस्पर संगठनों को एक स्टेयरिंग कमेटी के रूप में ले के अभी चलने की जरूरत है, बाद में घर का लड़ाई होगा तो हम लोग लड़ लेंगे। इसलिए आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमको याद किए और आप लोगों का दुआ लेके हम लोग वचन देते हैं कि आप एक डेग चलिएगा जिस कोज पर, उसमें हम दो डेग रहेंगे आगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को सलाम वालेकुम। हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बहुत सारी अहम शख्सियात मौजूद हैं, प्रेम गुप्ता जी मौजूद हैं, शर्मा जी हैं, हमारे जैन साहब हैं, मौलाना रफ़ीक़ कासमी साहब हैं जमात इस्लामी हिंद से, मौलाना असरार साहब हैं, और मुझे बहुत अफसोस है वक्त की तंगी की वजह से, और हमने वादा किया था कि 10 बजे तक ख़त्म कर लेंगे तो अब उससे ऊपर हो चुका है, इन हजरात से बहुत माजरत चाहते हुए। और मैं आप हजरात का, जिन्होंने तकलीफ़ें उठाकर लंबे तवील तवील सफ़र करके जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि सारा काम हो गया लेकिन असली काम बाकी है। अभी ये जो कुछ हुआ है ये दवा के दर्जे में है, और दवा में शिफा अल्लाह देने वाला है, उसके लिए आपको दुआ मांगनी पड़ेगी, और दुआ छोड़कर आप नहीं जाएंगे काम को अधूरा छोड़कर। बात मैं अपनी ख़त्म कर रहा हूँ उन लोगों के शुक्रिया के साथ, आप लोगों का शुक्रिया, ख़ास तौर से उनका शुक्रिया, जैसे हमारे अब्दुल समी सलमानी साहब हैं दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन, चौधरी मदीन अहमद साहब एमएलए हैं, हाजी मियां फयाजुद्दीन साहब, हाजी मतलू करीम साहब, और तुर्कमान गेट के वो लोग जिन्होंने आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ को अंजाम दिया है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ रखें, बस 5 मिनट 10 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाएगी। हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद दुआ फरमाएंगे, और ईटीवी वालों का भी खास तौर से शुक्रिया अदा करूंगा। ये माइक रखो, इधर माइक रखो ना, इधर जरा काम भी कर लिया करो। मैं, इन्होंने डायरेक्ट टेलीकास्ट किया है, लाइव टेलीकास्ट किया है, इसके लिए ईटीवी का भी शुक्रिया अदा करूंगा। हजरत दुआ फरमाएंगे, और इसके बाद यहाँ अजान होगी और यहीं जमात से नमाज होगी। होना तो ये चाहिए कि आप लोग यहीं से नमाज से फारिग होके जाएं, लेकिन अगर कुछ लोगों को जरूरियात से फारिग होना है तो आज़ाद हैं, जैसा मुनासिब समझे वैसा करें।
لاکھ پائے تکبیر کو بھول چکا ہے، اب اللہ رب العزت سے اس کے قبولیت کی دعا کرنی ہے، جو اس کے سامنے مقاصد ہیں اس کے آسانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، اور میرے بھائیوں دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ کی طرف پوری توجہ ہو، جب تک توجہ نہ ہوگی دعا کی قبولیت نہیں ہوتی۔ قلب الہی سے اور مشغول دل سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس امید کے ساتھ دعا کریں کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم، اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الإسمة في الحرجات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے الہ العالمین، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا فساد کردہ بن رہی ہے، اے الہ العالمین تیری بارگاہ میں اس مقدس بجمے میں اکابر و مشائخ کی موجودگی میں ہم سارے کے سارے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ہم سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے تو ہر بھلا کام لے لے، ہم سے دین کا کام لے لے، الہ العالمین تو اس اجتماع کو قبولیت سے نواز دے، یا اللہ تو اجتماع کو قبولیت سے نواز دے، اس کی ساری تجاویز اور اس کے سارے مقاصد الہ العالمین پائے تکمیل کو پہنچ جائیں، یا اللہ تو ہندوستان کو ایسا ملک بنا دے جس میں صلح و آشتی ہو، سلامتی ہو، ہر شخص عافیت کی زندگی گزارے، ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرتا رہے۔ الہ العالمین تو رحم فرما، جو لوگ مفسدین ہیں، جو لوگ فساد طلب کرنا چاہتے ہیں، الہ العالمین ان کو تو ہدایت دے دے، ان کو قادر مطلق ہے، تو ہدایت دے سکتا ہے ان کو، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے
الہ العالمین تو اس دنیا سے ان کو نیست نابود کر دے، الہ العالمین تو رحم فرما، رحم فرما یا اللہ، ہم میں بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جہاں جہاں مظلومین ظلم و ستم سہ رہے ہیں، الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، منتقم حقیقی ہے، یا اللہ ظالموں سے ان سے انتقام لے لے، یا اللہ ان ظالموں سے تو انتقام لے لے، الہ العالمین تو رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ ہم میں بہت سے لوگ مریض ہیں، ان کو شفائے کاملہ عادلہ مستمرہ نصیب فرما، الہ العالمین ہم میں سے بہت سے لوگ مقروض ہیں، ان کے عطا فرما دے، یا اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، انہیں لائق اولاد نصیب فرما، جن کی اولاد نالائق ہے اسے لائق بنا دے، ہم میں سے بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، الہ العالمین انہیں جائز روزگار عنایت فرما، بہت سے لوگ حاجت مند ہیں، ان کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، الہ العالمین ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما، یا اللہ اپنا خوف پیدا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرما، الہ العالمین ہمارے مشائخ و بزرگان دین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین جو موجود ہیں ان کے سائے کو تادیر باقی رکھ، اور ان کے فیض سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں، الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما، کرم فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دیکھیے یہاں سے آپ کے دائیں ہاتھ پر وضو کا انتظام ہے، حوضیں بنائی گئی ہیں باقاعدہ وضو کے لیے، جو لوگ وضو کرنا چاہیں وہاں وضو کر سکتے ہیں، اور ابھی اذان ہوگی اور نماز ہوگی، نماز نیچے ہی ہوگی، اور ابھی ایک بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا سید نظام الدین صاحب کے خادم ہیں، وہ نیچے رہ گئے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اوپر آ جائیں اور مولانا کو لے جائیں، مولانا ان کا انتظار کر رہے ہیں شدت سے، تو آپ اذان دلواؤ گے، ٹکٹ کا کہتے ہیں، کوئی ٹکٹ کا نہیں کہنا ہے نا، یہاں بھی ہو سکتی ہے اگر جیسے جیسے صفحے بنیں گے
Newspaper publication, consumer products, Margar Sitchit Fund, film, television production or distribution, world-class studio complex, hotels, indigenous private और सैटेलाइट चैनल्स की दुनिया में मकाम बनाने के बाद मशहूर रामोजी ग्रुप ने गंगा जमनी तहसीब के फरोग की खातिर एक और तारीख लिखी और 15 अगस्त 2001 को हिंदुस्तान की सरजमीन का पहला उर्दू चैनल लॉन्च हुआ। बेशक उर्दू जबान हिंदुस्तानी तहजीब का दिल है। उर्दू ने इस मुल्क की आजादी की जद्दोजहद को बहुत कुछ दिया। उर्दू जबान बहुत ही अहमियत वाली जबान है। उर्दू जो है वो आम आदमियों की जबान है। उर्दू का इजाद इसी बात से हुआ था कि वो आम इंसान बोले। उर्दू हिंदुस्तान की आवाम की जबान है और उर्दू को हिंदुस्तान की आवाम तक पहुँचाना बहुत उम्दा काम है जो ईटीवी कर रहा है। सब्र हजरत अय्यूब है साकी, खुम आएगा सुराही आएगी फिर जाम आएगा। गुफ्तगु रेख्ते में हमसे न कर, ये हमारी जबान है प्यारे। इनकलाब जिंदाबाद, आजादी का ये नारा। सीधी करिए, सब सीधी कर लीजिए, नमाज तैयार, नमाज की तैयारी है। पांच साल जी ईटीवी उर्दू चैनल उसी जबान की तर्जुमानी करता है। एक नया रूप अदा किया। सजदे में निगाह रहे तमाम। हाँ तो सफे बना लें, सफे बनाइए, जल्दी जल्दी सफे बनाइए। अगर यहाँ तक ही आ जाती है सब तो ऊपर पढ़ना ठीक है। आ जाए ना सब लग जाए जब ही तो अजी इन्हें भी जाए दे दो सब लगा देंगे तो हैं इन्हें जाए दे दो सब लगा देंगे सभी आगे आ जाएंगे अपने रुमाल ले ले आगे जी सब रुमाल बिछा लेंगे या वहीं चलो क्या हम लोग वहीं चलते हैं वहीं लगाओ जी माइक लगा दो माइक वहां लगाओ माइक वहां लगाओ जल्दी से चलो देखा था आपने हेलो हेलो राहुल एक्नॉलेजमेंट कर दीजिए एक आदमी से आगे मिल जाएगा आदमी से इधर हो गई नीचे नहीं एक्नॉलेजमेंट करना है यहाँ से नहीं नीचे कहाँ नीचे नीचे वहाँ से Thank you.
तुम्हारा दादी का पुतला। लीड में छेद हो गया।